चलिए हम लोग राजमहल में जाते हैं, हमारे साथ प्रेम जी हैं। और ये प्रेम जी वही सिंहासन है जो आपने बताया था, मार्वल का सिंहासन है जहाँ पर कभी राजा बैठते होंगे। मेला लगता है, राजा लोग, मंत्री, दीवान लोग बैठते हैं नीचे नीचे, नीचे की तरफ, जैसे जिनकी पोस्ट होती थी सीढ़ियों के ऊपर बैठा करते थे। दशहरा जब पूरा कंप्लीट होता था तो यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी, भैंसा यहाँ पर। अच्छा, ऊपर मंदिर में। अच्छा, 130 किलोमीटर दूर यहाँ से तनोट माता का एक मंदिर भी है। अच्छा, वहाँ पर भी भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। अच्छा, आपने बॉर्डर पिक्चर देखा होगा, तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, जब तो वहाँ पर 2000 के पास आसपास बम गिराए थे। अच्छा, 2000 के पास एक बम गिराए थे पाकिस्तानी सेना ने, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। तो उसके कारण, माता जी के चमत्कार के कारण, आज ये बम सारे है जो अभी भी रेत में मिलते हैं, फटता नहीं, उसको निष्क्रिय करके माता जी के मंदिर में रखे गए। अच्छा, तो सेना माता जी के मंदिर में रख देती है जाके। हाँ, सेना ने वहाँ मंदिर में रख दिया माता जी के चमत्कार के कारण बम नहीं। अगर उतने बम फटते तो जैसलमेर के बॉर्डर के ऊपर खाली 120 सैनिक थे मात्र, मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में, पंजाब की एक रेजिमेंट थी और एक राजस्थान की रेजिमेंट थी, तो सारे के सारे मारे जाते, लेकिन माता जी के चमत्कार के एक भी बम नहीं फटा, इसलिए उस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त होती। तो वहाँ पर एक युद्ध स्थल बनाया गया जिसको लोंगेवाला पोस्ट भी बोलते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा म्यूजियम बना जो पाकिस्तानी टैंक के, पाकिस्तानी आर्मी जीपे, मोटर गन वगैरह जो भारत ने उसे छीन लिया था, भारतीय सेना ने उसको रख करके एक अच्छा म्यूजियम बनाया गया। और ये जो सफेद गुंबद वाला बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, उस जमाने का कोर्ट होता था जहाँ राज के न्यायालय फैसले होते थे, पब्लिक के राजा लोग वेट करके निपटाते थे। अच्छा, दशहरा शुरू होने से पहले राजस्थान में हमारे यहाँ पर एक रिवाज है सती प्रथा। अच्छा, जो राजा की जब युद्ध में डेथ हो जाती थी, राजा मारे जाते थे, तो उनकी पत्नियाँ उसी चौक के अंदर चिता जला करके, अच्छा चौक में ही चिता जलती थी। तो ये देखिए दशहरा चौक है जहाँ पर जब राजा की डेथ हो जाती थी, रानियाँ इसी चौक में सती हो जाती थी, यहाँ पर उनकी चिता जलती थी, हैंड प्रिंट की जाती थी ये उससे पहले। अच्छा, उससे पहले सती होने से पहले। अच्छा, हैंड प्रिंट होते थे उनकी यहाँ पर पूजा की थी। अच्छा, तो ये रानियों की जितनी सती हुई है उनके सारे के हैंड प्रिंट, उनके चिन्ह है, उनको सती का पगोतिया बोला जाता है। अच्छा, दशहरे के दिन उनकी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन पूजा होती है। राजस्थान में दो चीजें फेमस है, सती होना और जौहर होना। आपने पद्मावती पिक्चर देखा था, उसमें जौहर किया था राना पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के डर से, तो वैसे ही यहाँ पर सतिया होती थी, उनके पहले हैंड प्रिंट की जाती थी उसका। अब चलेंगे अपन महल में। तो चलिए हम राजा जी के महल में एंटर करने वाले हैं। ये पत्थर उसी समय सीढ़ियां लगी होंगी, सभी सारा उसी समय का है जब किला बनाया गया, जो थे राजा। अब आपको बता दूं मैं, टाइटल होता है राजस्थान के अंदर, हर राजा का अलग अलग टाइटल होता है। जैसे जैसलमेर के राजा का टाइटल है महारावल, जोधपुर के राजा का टाइटल है महाराजा, उदयपुर के राजा का टाइटल है महाराणा। अच्छा, ये महाराजाओं के टाइटल होते थे, टाइटल उपाधि होती थी। जैसे आज अपन को गेम होता है उसमें सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल होता है, ब्रांज मेडल होता है, वैसे ही इनकी उपाधि होती थी। जो जितना राजा ताकतवर होता था उसको उससे ज्यादा। अच्छा, तो सबसे ऊपर जैसलमेर के राजा को जो महाराणा के बाद जो उपाधि होती थी महारावल की, वो प्रदान की थी, क्योंकि ये उत्तर दिशा से जो आने वाले मुगल लोग होते उनको रोकने का काम फर्स्ट में इनको होता था, इसलिए इनको एक और उपाधि दी गई थी महारावल के शासन में, उत्तर भड़ किवाड़ बाटी, यानी उत्तर दिशा से आने वाले दुश्मनों को रोकने का काम करना। भड़ यानी भिड़ना, किवाड़ यानी राजस्थानी भाषा में किवाड़ बोलते हैं दरवाजे को, तो ये उत्तर दिशा के दरवाजे थे, तो जो भी बाहर से दुश्मन आते उनको रोकना इनका काम होता था। ये इनका कुलदेवी का मंदिर होता था, रोजाना सबेर महाराज अपने परिवार के साथ में कुलदेवी का पूजा करते थे। ये लोग देवी उपासक भी होते थे और कृष्ण के वंशज थे, ये कृष्ण जी के वंशज, कृष्ण के वंशज थे। अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर दो तरह के राजवंश चलते, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश यानी कृष्ण के वंशज, सूर्यवंश यानी राम के वंशज, चंद्रवंश यानी कृष्ण के वंशज, जो यादव कहलाते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ आप देखेंगे, ये इनका स्टेट सिंबल है, जैसे अपन इंडियन गवर्नमेंट का होता है अशोक स्तंभ, वैसे इनका स्टेट सिंबल है छत्राला यादव। अच्छा, छत्राला महाराज जी यादव थे, यादव थे। छत्राला क्यों बोलते हैं उनको, कि मेगाडम्बर छत्र दिया गया था एक इनको, कृष्ण भगवान ने जब इंद्र भगवान के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने इंद्र भगवान ने अपने गिफ्ट के रूप में उनको युद्ध विजय के रूप में छत्राला यादव दिया था। छत्राला दिया, छाता दिया था, और यादव इनकी कास्ट थी कृष्ण भगवान की, यादव कुल में जन्म लिया था। और पति बोलते हैं किसी भी राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्राध्यक्ष पति बोलते हैं, छत्राला यादव पति। कहाँ से चलना है म्यूजियम में, अभी म्यूजियम में चलेंगे। अब ये जैसलमेर किले को जब 850 साल हो गए बने हुए, तो उसके सेलिब्रेशन के रूप में यहाँ पर एक स्तंभ लगाया गया। अच्छा, पुराने ज़माने में राजा जब कोई युद्ध जीतते थे स्तंभ लगाते थे, उन्होंने परमानेंटली जब यहाँ का ये किले का 850 साल पूर्ण हो गया लगाया, तो इसका जो ओपनिंग किया था उस समय हमारे यहाँ के महारावल थे, इनका नाम लिखा हुआ है डिजाइनिस्ट महारावल ब्रजराज सिंह जी, और नीचे लिखी अपनी जो राष्ट्रपति महोदया थी उस समय में
प्रतिभा पाटिल, उनका लिखा हुआ यूनाइटेड बाय हेजनेस श्रीमती प्रतिभा पाटिल ऊपर गवर्नर ऑफ राजस्थान। प्रतिभा पाटिल जी यहाँ पर आई थी? आई थी, उस समय वो गवर्नर थी खाली राजस्थान की, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट बने अपने पूरे इंडिया के। चलिए माइक कौन है ना, तो चलिए हम लोग अब ऊपर। अच्छा म्यूजियम ऊपर से जाने के लिए रास्ता है। इनका स्वागत करते हुए हमारे भूतपूर्व महाराज जी। अच्छा इनकी अभी डेथ हो गई है। अच्छा इनके लड़के चेतन सिंह वो महारानी साहिबा है, ये अमिताभ बच्चन जी है और ये अमर सिंह उनकी पत्नी, ये अमिताभ बच्चन उनकी पत्नी है। ये बताइए एक जो राजा प्रेम जी मैं जो सबसे बड़ी बात है 7 फीट उनकी हाइट थी। 7 साढ़े 7 फीट 2.5 से 3 फीट बॉडी का चढ़ाई। 7 फीट सर या प्रेम जी या 7.5 फीट 7 साढ़े 7 अमूमन ऐसी अमूमन 7 साढ़े 7 के बीच में थी। ये देखिए 2.5 से 3 फीट बॉडी का। ओ इसका प्रूफ है, मतलब जो थंबनेल आप देखेंगे क्योंकि बच्चन साहब देखिए बच्चन साहब की 6 फुट कुछ इंच है और देखिए उनका चोला है राजा साहब का तो लगभग 7 साढ़े 7 फीट ऊंचाई थी जो राजा जी थे। 2.5-3 फीट चौड़ाई और 250 किलो वजन, बिल्कुल फिटनेस फिट होती थी। WWE के खिलाड़ी होते थे वैसे, क्या ऐसे नहीं मोटा राजा हो थुलथुला हो पूरा बिल्कुल फिटनेस फिट फिटनेस फ्री। ये अंदर में शस्त्रालय बने हैं उसका और ये यहाँ का मैप बना हुआ। राजा जी भी बहुत, राजा जी और रानी दोनों खूबसूरत है, मतलब देखने से कोई बहुत खूबसूरत। ये जोधपुर के राजा है नरेश गज सिंह। अच्छा उनकी पत्नी उनका लड़का है इंटरनेशनल पोलो खिलाड़ी है शिवपाल सिंह इनका नाम है, ये इनकी राजकुमारी है और ये जैसलमेर का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से पूरा सिटी भी दिखता है जो महल का टॉप है। अच्छा चलिए और क्या बात, जब इनके लड़के को राजकुमार बनाया गया। अच्छा जब राजा की 25 साल की फोटो है। अच्छा उस समय की रजत जयंती के तौर पर राजा बने हुए जब इनको 25 साल पूरे हो गए तो एक रिवाज होता है कि अपने बड़े लड़के को राजकुमार घोषित करते ताकि वही आगे जाके राजा बने। तब अपने बड़े लड़के चैतन्य राज सिंह को उन्होंने युवराज घोषित किया था और युवराज ही आगे जा करके फिर राजा बने। राजा बने तो अभी यही राजा होंगे, अभी यही राजा चैतन्य जी चैतन्य राज सिंह। तो अब हम लोग आगे जाने वाले हैं, अभी हम चलेंगे ऊपर और आपको बता दें जैसा प्रेम जी ने बताया 7.5 से 7.5 फीट ऊंचाई थी यहाँ के बड़े राजा की और जो बिल्कुल फिट थे 250 किलो लगभग उनका वजन था। तो सोचिए जब तलवार से काटते होंगे दुश्मनों किस तरीके से काटते होंगे प्रेम जी, एक ही बार से सर से धड़ अलग कर देते होंगे। यहाँ पर भी कितना वो बाहर से दिखाया जो मैं कितना खूबसूरत है, अब यहाँ पर कांच भी लग चुका है ये पूरा आप देख लिए आप बाहर से, आपको जो पता था स्टोन के ऊपर जो कार्विंग का काम है जैसे मैंने फेमस है वो स्टोन कार्विंग के कर रहे हैं और दूसरा सिल्वर करेंगे। अब ये अपन आ रहे हैं शस्त्रालय आई बताइए दरवाजे का भी कुछ मतलब क्यों छोटे बनाए जाते थे? रीजन होते थे दरवाजे छोटे बनाने। अच्छा पहला यहाँ पर गर्मी बहुत होती थी। अच्छा अच्छा धूल भरी आंधी ज्यादा चलती थी तो धूल भरी आंधी नहीं आए अंदर गर्मी नहीं। दूसरा बाहर से जो सैनिक आएंगे उनको पता नहीं कि दरवाजा छोटा, जैसे भागते हुए आएंगे सर टकरा के नीचे गिर जाए। अगर समझदार है तो उसका ड्रेस कोड होता था, जैसे अंदर आएंगे तो यहाँ के सैनिक हमेशा दरवाजे के पीछे खड़े रहेगा, उसको मारने में उसको काटने में आसानी रहेगी। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कोई भी राजा के सामने आए अगर अकड़ के आ रहा है तो उसको झुकना ही पड़ेगा क्योंकि दरवाजा छोटा होता है। और यही से रास्ता है उनके महल के लिए जाने का, यही रास्ता है। ये बंदूक है, ये पुराने जमाने की तोप है जहाँ बड़ी तोपे काम करना बंद कर देती थी। अच्छा उसको ऊंट के ऊपर अच्छा स्टैंड किया जाता था, कैमल के ऊपर स्टैंड करके अच्छा फिर चलाया जाता था। उर्दू के अंदर इसको खंदील बोलते हैं। अच्छा वो पार्टी में जो पिक्चर बनी थी उसमें महाराष्ट्र के एक राजा बाहूशाह ठाकरे के साथ अब्दुल शाह अब्दाली का जब युद्ध होता है उसके अंदर इसको यूज किया गया, बताया गया अब्दुल शाह अब्दाली ऊंटों के ऊपर खंदीले लगा करके फायर करता जब वो उसका तोपखाना उड़ा देता था। अच्छा उसकी रेंज होती है 0.5 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है। उस जमाने में गोलियां नहीं होती थी, खाली बारूद भर करके उसको आग लगाते थे, बारूद का पूरा जो गोला बनता था वो आगे की तरफ। अच्छा तो एक एक लोहे का गोला भी चलता होगा इसमें? नहीं लोहे का गोला नहीं होता, खाली बारूद होता था, बारूद होता था, बारूद होता था और लोहे के छोटे छोटे छर्रे छर्रे। अच्छा उन्हें जो एक साथ जो प्रेशर के साथ जब ये जाते थे ना तो एक गोले के रूप में जाते थे और जहाँ जाते थे एक साथ एक ही जगह वार करते थे, ऐसे नहीं अलग अलग जगह फैल जाए ऐसा नहीं होता ऐसे। ये वो जहरीले भाले मैंने आपको बताया, अच्छा आदमी को जब लगते थे तो आदमी को मना करता, एक कोबरा नाम का सांप होता था उसका जहर से जहरीले भाले बने थे। और अभी जो हमारे यहाँ के रावल जिनकी डेथ हो गई 2020 में महाराज ब्रजराज सिंह उनकी ससुराल थी नेपाल। अच्छा वहाँ से उनको ससुराल में गिफ्ट में दिए गए चाकू है जिसको कुकरी बोलते हैं नेपाली कुकरी, उसके हैंडल सारे चांदी के बने हैं आप देखिए। अच्छा चांदी के हैंडल्स हैं। अच्छा इधर की तरफ छोटे छोटे चाकू हैं और ये ऊपर का पहनने वाला टॉप, अद्भुत अद्भुत ये अलग अलग प्रकार की तलवार है।
तलवार किसकी, मतलब स्टील तो उस समय होता नहीं होगा प्रेम, लोहा बनता था, लोहे की तलवारें होती थी और अभी तक जंग भी नहीं लगती थी, जंग नहीं लगता था। अब आप इसको देखेंगे खुली तलवार है जिसके दोनों तरफ धार है, जिसको दूधधारी तलवार बोलते हैं, तो आते भी काटती है और जाते भी काटती है। ज्यादातर ये दशहरे के दिन भैंसे को काटने के लिए काम में ली जाती थी। अच्छा। युद्ध के लिए लंबी तलवारें होती थी, 5 फीट लंबी तलवार जिसके दोनों तरफ धार होती और एकदम सीधी तलवार होती थी, तो वो क्या टूटने का उसमें डर कम रहता था। ये जो गोलाई वाली थी इसमें टूटने का डर रहता था। और ये डंडे के रूप में तलवार है, छड़ी नुमा तलवार, और ये बिल्कुल डंडा होता था सीधा उसमें रखते, जिसको गुप्ती बोलते अपन, आपको पता है। कमाल है। मकान भी बताइए, पुरानी लकड़ियाँ लगी है, लकड़ियाँ लगी, ये आज समझ लो आप, आपको लकड़ी को लगे भी कम से कम 700-800 साल हो गए। ये मैंने आपको बताया केर की लकड़ी है, इसके ऊपर छोटे छोटे पिलर्स बनाए गए हैं, लकड़ी के एक पिलर है, उसको फट्टा डाल करके इसके अंदर लकड़ी के, इसके ऊपर घास डाला गया, घास के ऊपर मिट्टी डाली और ऊपर गोबर मिट्टी से लिप दी, जिससे क्या सर्दी के मौसम में रूम गर्म रहता है और गर्मी के मौसम में ठंडा रहेगा। और ये है वो बंदूक, ओ हिंदी के अंदर एक कहावत है, दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, ये वही बंदूक अपने कंधे पे नहीं चलती, ओ क्योंकि ये इतनी लंबी है कि एक आदमी इसको नहीं संभाल सकता, इसलिए हमेशा ऊंट पे बैठ के चलाया जाता था इसको, और दो आदमी कंधा आगे करता था, ऊंट का ड्राइवर उसके कंधे पे रखते थे, पीछे बैठने वाला फायर करता था, इसको पूरा नली को भर के कॉक करते थे, फायर करते थे, नली खाली हो जाती थी, फिर फायर भर के फिर कॉक। कितनी भी तो बहुत लंबी दिख रही है, ये 6 से 7 फीट लंबी, 6-7 फीट। तो ये देखिए वो बंदूक है जो दूसरे के कंधे पर रखकर चलाई जाती थी, वो महाराजा के राज्य में ये स्थित थी, दुश्मनों को मारने के काम आती थी। ये सारे चांबू के घोड़ों के ऊंट की मोरी घोड़े का लगाम वगैरह। अच्छा। और इसकी खासियत क्या है आप देखेंगे, ये ऊंट की हड्डी से बना हुआ जिसके ऊपर कार्विंग का काम। अच्छा, ऊंट की हड्डी से बना है, क्या बात है। ये धनुष से प्रेम, ये धनुष और बाण, ये सारे बताइए रामायण फिल्मों में जो दिखाए जाते हैं वैसे ही। ये इसका जो मॉडल है उसको बोलते हैं अपन, जो ये ब्रह्मास्त्र का मॉडल है। अच्छा, उसका शेप इसका ऐसा है, इस जो परमाणु बम काम करता है वही ये तीर काम करता था, ऐसे बोलते जहाँ गिरता था वहाँ की जलवायु को नष्ट कर देता था। अच्छा, अग्नि बाण जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधे है तो पूरा जलवायु नष्ट हो जाएगी, पूरे पेड़ पौधे जल जाएंगे, पानी है तो सूख जाएगा। इसमें भी लॉजिक हो सकता है, पहले बारूद फेंकते हो उसमें मारते हो, इस वजह से आग लग जाती है। नहीं, ये तो बोलते थे शाब्दिक जो मंत्रों के द्वारा जो चालू होता था, मंत्र द्वारा सिद्ध होता था, ये देवी देवताओं के द्वारा किसी को प्रदान किया जाता था, ऐसा माना था। ऐसे रामायण के अंदर वर्णन है, अब ये सही है या नहीं है, क्विंदिति है हमारे यहाँ पर माना जाता है कि जैसलमेर जो था पहले पुराने जमाने में रामायण काल के अंदर, उसको तैतीय सागर बोला जाता था। जब रामचंद्र भगवान श्रीलंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तो समुद्र के किनारे उन्होंने बैठ के समुद्र से रास्ता मांगा, उन्होंने समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो उन्होंने वहाँ रामेश्वर धाम जो आज है वहाँ शिव भगवान का शिवलिंग स्थापित किया, जब प्रार्थना की तब उनको ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रदान किया गया। तो जैसे ही राम भगवान ने तीर के ऊपर कमान के ऊपर तीर चढ़ा करके छोड़ना शुरू किया, तो समुद्र प्रकट होता है, ऐसे तो आप विष्णु भगवान के अवतार हो, ये आपका ही रहने का स्थान है, ऐसे सूख जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने बोला मैंने तो आपसे रास्ता मांगा, आपने रास्ता नहीं दिया। फिर वो बोलता है यहाँ से कितना किलोमीटर आगे बताए, वहाँ से जमीन दिखती है मेरे समुद्र के अंदर से, आप वहाँ से पुल बनाइए, लेकिन अब आप तीर मत छोड़ो। तो उन्होंने बोला 3 बातें कभी गलत नहीं होती है, जो एक बार हो गई है तो उसको होना ही पड़ेगा। जैसे आदमी की जबान से निकला हुआ शब्द, शरीर से निकले प्राण और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, अब इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला कि आप मेरे पश्चिमी भाग में भेज दिए, जहाँ पर कोई लोग मतलब मनुष्य नहीं रहते हैं, पूरा समुद्र ही है, तो वहाँ आप छोड़ दीजिए, जिससे वो नष्ट हो जाएगा और नई एक धरती का आगमन होगा। तब कहा जाता है कि हाँ, वो समुद्र को छोड़ा गया तीर तो पूरा समुद्र सूख गया, उसी के कारण ये पूरा थार रेगिस्तान, राजस्थान पूरा थार रेगिस्तान बन गया। अच्छा, ऐसा मानना है। और ये सारे उस राइफल की बैरल है आगे की। अच्छा, हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश होता था, लोग अपने पास रखते थे, ये भाले के सिरे आगे वाले। अच्छा, छोटे छोटे तीर। अच्छा, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजों का जमाना आया, तो ये तीर कमान बर्छा भाली सब बंद हो गए, तब पिस्टल बनाया गया, ये रिवॉल्वर जिसको अपन देसी कट्टा, ये रिवॉल्वर है, ये देसी कट्टा, ये वाला, हाँ ये वाला कट्टा है, और ये बारूद है, छोटा सा पॉकेट पिस्टल है, ये बारूद रखने के लिए कुपिया, बारूद रखने के लिए कुपिया हो गई, इसको ऐसे रस्सी में बांध के बगल में टांग देते थे, उसको नली में बारूद भर के फायर किया जाता था। ये रानी महारानी छोटे राजकुमार वगैरह रखते थे अपने पॉकेट पिस्टल, इससे आदमी मरता नहीं था, घायल हो जाता था, घायल हो जाता था। ये डाल होती थी,
ये पानी के लिए छोटी सी सुराही होती थी, इतना छोटा पानी लेकिन इतने उसी में ऐसे ही मतलब यही महल में आगे पीछे हो रहे हैं, तो कहीं भी नौकर चाकर लोग अपने पास रखते थे, दादाजी कभी भी मांग ले। और इसको जब भर करके उसको और कुप्पी को जब ढक्कन लगा देते थे, तो इसके ऊपर अगर हाथी जैसे जानवर का पैर आ जाए तो ये एंटी माइस का भी काम कर देते, अपने आप फट जाती थी, तो उसका पाँव भी टूट जाता था, बिखर जाता था हाथी जैसे। अगर दुश्मनों के आ रहे हैं तो ये बिछा दी, बिछा भी जाते थे। क्या बात है, क्या बात है।